वृंदावन के आचार्य शिवदत्त पाराशर ने बताया कि मनुष्य को धन के बल पर भोग विलास तो मिल जाता है, लेकिन तृप्ति की प्राप्ति कभी नहीं होती। धन के बल पर आप सभी सुखों का तो आनंद उठा लोगे, लेकिन हमेशा अतृप्त ही रहोगे। रिक्तता, पिसद, खिन्नता और अशांति कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आचार्य ने कहा कि किसी से आशा रखना ठीक नहीं है, क्योंकि आशा का दास तो सदा निराश ही रहेगा। उन्होंने कहा कि संसार में अगर सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो वो है असंतुष्टि, क्योंकि असंतोष के कारण ही मानव पाप करता है। जगत के सारे पदार्थ भी मिलकर मानव को संतुष्ट नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने शनि देव के प्रकोप से बचने के भी उपाय बताए। उन्होंने कहा कि शनि देव न्यायप्रिय देवता है। जिसकी भी कुंडली में शनि से पीड़ा है, वह हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और पीपल के पेड़ को शनिवार के अलावा कभी नहीं छूना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज का सद्विचार, तृप्ति। देखिए, तृप्ति क्या है? धन के बल पर भोग अवश्य प्राप्त हो जाता है, मगर तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती। धन के बल पर पूरे संसार के भोगों को प्राप्त करने के बाद भी तुम अतृप्त ही रहोगे। रिक्तता, खिन्नता, विषाद, अशांति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आशा का दास तो हमेशा निराश ही रहेगा। संसार में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वह है असंतोषी। असंतोष के कारण ही मानव पाप और निम्न आचरण करता है। जगत के सारे पदार्थ मिलकर भी मानव को संतुष्ट नहीं कर सकते, और संतोष ही प्रसन्न रख सकता है। एक बार भगवान पर विश्वास कर लोगों तो पशु की तरह नहीं भटकना पड़ेगा। भागवत में माता देवहूति कहती हैं कि निर्विण्णाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्सनात्। मैंने कितने भोगों को भोगा है, क्योंकि मैं मनु महाराज की पुत्री हूँ। हजारों वर्ष भोगों को भोगते भोगते हो गया, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंद्रियां, मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। तो ये तृप्ति है, ये कभी भी भोगों से पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो एक बार भगवान पर जो विश्वास कर लेता है वह पशु की तरह दर दर नहीं भटकता। अभाव में भी कृपा का अनुभव होगा, विषय के लिए नहीं, वासुदेव के लिए। आज शनिवार है और शनि जो है, शनि देव, वह न्यायप्रिय देवता हैं। कुंडली में जिसको भी शनि से पीड़ा हो उसको रोजाना पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक रखना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि की जो कुदृष्टि है उससे भी बच जाते हैं। और ध्यान रखें, पीपल को केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श करना चाहिए। शनिवार के अलावा स्पर्श करने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि केवल शनिवार के ही दिन पीपल को स्पर्श किया जाता है।
उलभक्तवश्चल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।